सनातन और अगम्य ज्योति में रहने वाले महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से तेरे चरणों में आते बिल्डिंग को तेरे लहू के बाढ़ रखते क्षेत्र में वायुमंडल में तमाम अंधकार की दुष्ट ताकतों को बांधते प्रार्थना करते स्वर्ग खुल जाए, तेरी आत्मा बल से उतरने पाए। प्रभु आज की आराधना को और वचन को तेरे हाथ में सौंप दे। पवित्र आत्मा आप लीडर गाइड करे, आपकी आत्मा चलने फिरने पाए, आपकी आत्मा गाइडेंस करने पाए। और आज प्रभु जी जो ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा तो उन्हें भी छू और रूपांतर कर और महिमा की देह को तैयार कर और हमें भी लीड और गाइड कर, तेरे नाम की महिमा कर। यीशु के नाम से मैं तुझे
Thank you.
हुआ मुझे तेरी जरूरत Oh,
अग्नि 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 I'm not afraid to die.
Oh,
गौरिया बाबा मामा विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहार के वाले चंगाई देने वाले स्तुति हो यीशु राजा की बचा ले मेरे लोगों।
हमको याद करते हुए क्योंकि देश में परमेश्वर ने हमको रखा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस देश में बदलवा करके मैंने तुझे रखा है उस देश की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करता हूँ फलिशिया मिलकर हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस देश के ऊपर तेरी भलाई होने पाए इस देश के ऊपर यीशु प्रभुता करने पाए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर और मृत की आत्मा को ढेल दे राजा भारत देश के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी और जैसे प्रभु जी यावेश ने प्रार्थना किया कि भला होता तू मुझे आशीष देता और रियादलवा और मेरे देश को तू आशीष देता और जैसे अब्राहम के द्वारा उसने सारी मानव जाति को आशीष दिया वैसे ही फलिशिया के कारण उस देश में उस प्रांत में परमेश्वर फलिशिया के कारण उन जातियों को बचाएगा प्रार्थना करे पहुंच के साथ बड़े के साथ में जैसे तेल ने उपवास के साथ में बैठ के राजा का सामना किया और राजा उसके वश में कर दिया गया और उसके लोग छुड़ा लिए गए और हम प्रार्थना करें हमारे देश के अंदर में जितनी भी जातियां है उन जातियों को ऊपर पर मिलकर ऐलान किया हो जाए और मेरी दया हो जाए राजा मेरा भारत आशीष पाए मेरा भारत आशीष पाए मेरा भारत पाए हम अपनी जातियां परमात्मा ओ आ
आत्मा परमात्मा मेरे दिल में आ जात्मा ओ आत्मा परमात्मा Thank you.
क्योंकि वचन कहता है जब यीशु आत्मा से भर गया तो वो जंगल में गया। हालेलुया। और बाइबल कहती जब उपरोती कोठी के ऊपर खलीसिया लोग लगाकर प्रार्थना करी थी तो जरूसलेम की उपरोती कोठी के ऊपर आत्मा फटती हुई जीव के समान उतरा। और बाइबल कहती है और आत्मा जिसके ऊपर बल से उतरता उस पत्रस के ऊपर जब आत्मा उपरोती कोठी के ऊपर उतरा और वो प्रचार करने लगा क्या जिसको तुमने लटकाया है वही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि अंत के समय का बाइबल का परमेश्वर कहता कि भविष्यवक्ताओं के ऊपर भी आत्मा उतरा और भविष्यवक्ता अंतिम जो यीशु है वो कहता है मत फिराओ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। इसलिए आज का संदेश जो परमेश्वर मेरी आत्मा में दे रहा है वो यही है। हर जाति हर राष्ट्र हर क्रोम ओ परमेश्वर कहता है मत जाओ अपने बाप दादा के डीएनए से अपनी जातियों की कौम के अनुसार नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार अब चलना सीखो और अपने पापों को छोड़ दो तो परमेश्वर दया करेगा। जब उसने योना को 99 में भेजा योना कहने लगा राजा जिस प्रांत का तू राजा है 40 दिन के बाद में और तेरा शहर नहीं रहेगा और परमेश्वर इसको ढा देगा। राजा की जब राजा ने इस वाणी को सुना यहोवा की वाणी को सारी प्रजा सारे पशु और उपवास के साथ में बैठ के 99 के लोग और छाती पीटने लगे और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। ऐसे ही परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमारे देश के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मन फिराओ और लौट जाओ मेरे पास में ताकि मेरी दया तुम पर हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब कहता है तो उसको हमारे वचन में हमारे अंदर उसको धारण करना है क्योंकि आत्मा वचन में होकर काम करना शुरू करता है। उसकी आत्मा जब हमारे मध्य में उस बादल के रूप में उस अग्नि में बादल में उस उपकाम में उस अग्नि में खंभे में यहाँ पर खड़ा है तो वो हमको कहता है कि तू लौट करा मेरे पास। हालेलुया। क्योंकि है इज़राइल मैं तुझे भूला नहीं हूं क्योंकि अंत के समय में यीशु इज़राइल में प्रवेश करेगा और जब इज़राइल में यीशु प्रवेश करेगा तो अन्य जातियों के लिए द्वार बंद हो जाएगा। अब इस समय है 2022 अन्य जातियों के लिए समय है। उसके बाद में कोई पश्चाताप नहीं कोई दया नहीं होगी। इसलिए 2021 और 2022 मेरे देश की भलाई के लिए हर जाति के लोग पश्चाताप करें अपने अधर्म को छोड़े पाप को छोड़े और जाति पीटे और यहोवा को पुकारे। परमेश्वर कहता है मैं तेरे देश को जो का क्यों कर दूंगा। हालेलुया। जैसे उसने अब्राहम को आशीष दिया और अब्राहम के द्वारा सारी मानव जाति को उसने आशीष का कारण बनाया। हालेलुया। इसलिए आत्मा जिसके साथ है जिसके अंदर है। हालेलुया। आत्मा यहेजकेल के साथ था और आत्मा की शक्ति पाकर वो कहने
कहने लगा ऐ सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। और वहां पर बाइबल कहती है वो सुखी तराई एक सेना का रूप धर ली जिसके ऊपर आत्मा था और आत्मा की शक्ति में वो बोला तो एक सेना खड़ी हो गई। तो जिसके अंदर आत्मा है वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता अपने आप को पहचानो उस आत्मा को पहचानो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। और बाइबल कहता वही आत्मा के कारण मैं तेरी सुनूंगा क्योंकि मेरी आत्मा जब तेरे अंदर रहेगी और उस आत्मा से तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा क्योंकि वो कहता है मैं तेरे अंदर हूँ इधर उधर मत ना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया हमको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है हमें यहोवा परमेश्वर की और ताकने की आवश्यकता है और वही परमेश्वर का आत्मा जो उसने दिया है। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो वचन मैंने तेरे मुख में डाले उस वचन के ऊपर मेरी आत्मा तेरे देश को उथल पुथल मचा देगी। हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम में भी जब प्रेरित लोगों को परमेश्वर का वचन दिया गया था और वह जो कुछ बोलते थे सारे नगरों में परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरने पाए और पूरे देश को उन्होंने उथल पुथल कर दिया और लोग कहने लगे ये आ गए उथल पुथल करने वाले हमारे बीच में। हालेलुया इसीलिए परमेश्वर का आत्मा साधारण आत्मा नहीं है ये वो आत्मा है जो लाल समुद्र को फाड़ सकता है। हालेलुया ये वो आत्मा है जो अंधकार की इस धराशायी बीमारियों के ऊपर परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा और आत्मा का अथॉरिटी और आत्मा का सामर्थ मैंने तुझे दिया है और तू उस आत्मा से काम कर। हम देखते हैं कि जब पत्रस भी जब डर के साथ में वहां पर उपरोक्त कोठी में था और जब आत्मा उसके ऊपर उतरा उसका डर चला गया। हमें इस महामारी से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर कहता इस महामारी को मैंने तेरे पांव तले रौंद डालूंगा। हालेलुया क्योंकि यहोवा जिस घर में वास करे जिस शरीर में वास करे उसके ऊपर कोई महामारी प्रकट नहीं हो सकती कोई महामारी इसको छू नहीं सकती। हालेलुया इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे देश के लिए हर एक कलीसिया हम अपने आप में एक कलीसिया का रूप बन जाए। हालेलुया और बाइबल कहती कलीसिया के ऊपर स्वर्ग की अथॉरिटी है। हालेलुया स्वर्ग और पृथ्वी का हालेलुया इस देश के अंदर तुम अंधकार की ताकतों के ऊपर और बवंडर का तूफान ला सकते हो। हालेलुया और अंधकार बाइबल कहती उस आत्मा को जो मैंने तुझे दिया है उस आत्मा के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। जैसे उसने यहोशू को कहा कि जीवन भर तेरा कोई सामना नहीं कर सकता क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया वो ना दिखाई देने वाला परमेश्वर आत्मा में रहकर दिखता है। हालेलुया क्योंकि उसकी अगम में ज्योति हमारे चेहरे से जो उसका नूर झलकता है क्योंकि यहोवा जब तेजोमय में होकर चलेगा अंधकार उसके थामने ठहर नहीं सकेगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर इन समय में हमसे एक ही बात कहता है कि हम अपने पापों को मान ले और छोड़ दे। हालेलुया तो कहता है परमेश्वर मैं तेरे कारण तेरे देश के ऊपर मैं तेरे कारण तेरी जाति के ऊपर भलाई करूंगा। हालेलुया तेरे कारण तेरा घराना बचाया जाएगा तेरा देश बचाया जाएगा तेरी कौम बचाई जाएगी। इसलिए इन समय में हम अपनों को भी याद करते हुए हम अपने इस देश के अंदर में जब परमेश्वर ने इस देश में हमको रखा है इस देश के लिए प्रार्थना करें हमको अपना ही मुर्दा चिंगा हो जाए उसी के लिए रात दिन आज सुबह आते रहते। परमेश्वर कहता इस देश में कई आत्माएं नाश हुई उस देश के लिए खड़ा हो जा और मना भी कर। हालेलुया जब तू मेरे देश के लिए खड़ा हो जाएगा और मनादी करेगा तो मैं तेरे वंश के ऊपर अपनी आत्मा उड़े लूंगा और उस आत्मा जो तुझे सपोर्ट करेगी वो आत्मा तुझे सुरक्षित करेगी और वो आत्मा तुझे बोलना सिखा देगी।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो अंत के समय में हमसे एक खींच कहता है कि मना दी कर हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसकी प्रतिज्ञा है मत डर, उसकी प्रतिज्ञा है मैंने तुझे छुड़ा लिया, इधर उधर मत ताक। हालेलुया, हमें इधर उधर देखेंगे तो हम गिर सकते हैं। हम जब इधर उधर देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, पेपर में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, बाहर निकलते हैं तो देखते हैं चारों तरफ मौत मौत मौत, एक ऐसा खौफ छाया हुआ है। ऐसे समय में यहोवा का आत्मा जब हमारे अंदर रहता है तो वो कहता है मत डर। हालेलुया, क्योंकि उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाया है और वो मृत्यु तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु तेरा डंक कहां? क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया, यीशु ने मृत्यु को निगल लिया, क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। हालेलुया, उसको कोई मार नहीं सका। वही यीशु आज हमसे कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, न दिखाई देने वाला परमेश्वर साथ में है, जिसकी आंखें खुली है वो देख सकता है। हालेलुया, कि कैसे स्वर्ग के फरिश्ते इब्रानी 14 के अनुसार वो खड़े रहते हैं। हालेलुया, और सेवा टहल करने वाले दूत भी जो खड़े रहते हैं। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती उस दूत को जो तेरे लिए नियुक्त किया है स्वर्ग के परमेश्वर ने, उसकी भी सुन। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती इन दूतों के विषय में कि ये पृथ्वी पर भेजे गए हैं। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में कहता है ये वो सात सिंह है, ये वो सात आत्मा है जो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए भेजी गई है। हालेलुया, इसीलिए आप हरेक जने एक दिखाई देने वाले दूत हैं जो स्वर्ग के हैं। हालेलुया, और वो परमेश्वर इस रीति से तेरे साथ रहता है। हालेलुया, इसलिए हाँ हम प्रार्थना करें, पहले हम अपने मन फिराए, अपने पापों को पश्चाताप करें और मन फिराए और संपूर्ण रीति से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से उसके सम्मुख में सरेंडर करो अपने आप को। और वो कहता है कि जब तू संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से तू मेरे पीछे चलेगा, मैं तेरे वंश को बचाऊंगा, मैं तेरे देश को बचाऊंगा, मैं तेरे कारण उस देश को तेरे वश में कर दूंगा। हम देश के वश में नहीं, देश हमारे वश में होना चाहिए। ओ, इस देश को चलाने वाली उन तमाम ताकतों के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे दानियल जब फारस देश की शक्तियों के साथ में ओ मिखाइल युद्ध लड़ रहा था दानियल के कारण, आज ऐसे ही परमेश्वर कहता है जब तू मन फिराएगा तो वो दूत जिस नगर में तू रहता है, जिस प्रांत में तू रहता है, वो दूत तेरे कारण लड़ाई करेगा। हालेलुया, इसलिए आज प्रार्थना करें हर एक जने, हो रब बब 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 ओरिया नला प्रोसेरिया दुरु रे ओ रब बब 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 लिखा लगा बला रिग दे 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 मे तेरी जय हो राजा, तेरी जय हो अपा, तेरी जय हो दिख गहराई से राजा, तेरी जय हो अपा। Yeah,